आप अपना तारुफ करें। जी मैं साइमा अब्बास हूँ, वाइस प्रेसिडेंट दातागंज वर्क टाउन। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे हल्के से एम ए के इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, और हमें तो कानून की हर बात का पता है बिकॉज आई एम हर सेल्फ लॉ क्वालिफाइड। और इसके अलावा जो है वो मेरा भांजा भी लाहौर में सिविल जज है, तो हमें पता है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ये अवाम का गला घोटने के लिए ही आई है। उन्होंने पहले कौन सा कोई अच्छा काम किया है जो अभी इनसे अच्छे काम की उम्मीद रखी जाएगी? इन्होंने पहले भी अपने ऑपरेटिव्स के जरिए, अपने नुमाइंदों के जरिए आवाम के घर मकान दुकान लूटने के लिए उन पर झूठे पर्चे करते हैं, उनसे फेक एग्रीमेंट्स करते हैं और उन पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करवा देते हैं और उनकी सारी उम्र की जमा पूंजी लूट लेते हैं ताकि वो अपने क्रिमिनल केसेस में उलझ जाएं और अपने सिविल मैटर को भूल जाएं। तो अब तो इन्होंने पाकिस्तान को लूटना है, इसके सारे खजाने लूटे हुए हैं, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, इसके एटॉमिक जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको सेल आउट करना चाहते हैं। ये तो लूट मार करने के लिए आए हुए हैं, तो पाकिस्तान में महंगाई भी नहीं होगी तो क्या होगा? इसी वजह से सारी कौम ने ये इरादा कर लिया है कि खान के साथ हो जाएं, क्योंकि खान हैज़ केप्ट हिज लाइफ एंड डेथ इन पाकिस्तान, ही हैव नो एसेट्स इन द अब्रॉड कंट्रीज इन द यूके। तो उन्होंने तो कोई एसेट्स नहीं बनाए, कोई जायदादें नहीं बनाई बाहर के मुल्कों में, उन्होंने पाकिस्तान में रहना है। सारी कौम पाकिस्तान खान के साथ है पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो महंगाई इन्होंने बहुत की करनी है क्योंकि इन्होंने अपनी सर्जरी भी करवानी होती है, और एक क्वेश्चन रेज होता है आखिर उनको इतनी बुढ़ापे में इतनी सर्जरी की क्या ज़रूरत है, जबकि यहाँ पे आवाम की जो है दवाइयाँ भी ख़त्म कर दी गई, सेहत कार्ड जो एक सहूलत थी इमरान खान साहब की तरफ से जो नेसेसरी चीज़ थी पेशेंट्स की वो भी ख़त्म कर दी गई, और सर्जरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे कि ऐसी सर्जरी भी आए जो हम उनके दिमाग की सर्जरी करवा सकें ताकि इनको अकल आ जाए, इनका आई क्यू लेवल बढ़ जाए। अवाम का पैसा लूट के इन्होंने ब्यूटी सर्जरी करवा ली है, तो हम सारी अवाम चंदा जमा करके इनके दिमाग की सर्जरी करवा देंगे ताकि इनको अकल आ जाए और ये पाकिस्तान का पीछा छोड़ दें। थैंक यू।